पहले तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो पंजाबी और ये जो उर्दू, ये सिंधी, ये पश्तो, इस ज़ुबान को कह के अलग कर दिया जाता है। फिल्म की कोई ज़ुबान नहीं होती। फिल्म की जो टेम्परामेंट है एक्चुअली वो होता है, अगर वो पंजाब का टेम्परामेंट है तो उसको आप पंजाबी कह लेंगे, अगर कोई सोफिस्टिकेशन आ गई है, कोई ड्राइंग रूम मूवी आ गई है, उसको आप उर्दू कह लेंगे, सिंध की तरफ जाएंगे तो आप सिंध। तो ये डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट, क्या आप स्क्रिप्ट क्या बना रहे हैं, वरना वही टेक्निक है, वही कैमरा है, वही डायरेक्शन है, वही चार शॉट हैं, वही सारा कुछ है। तो ये जो ये कह के कि जी ये पंजाबी फिल्म है, ये मल्टीप्लेक्स में नहीं लगेगी या सो कॉल्ड जो कहा जाता है, तो ये रॉन्ग है। फिल्म अच्छी होनी चाहिए और फिल्म को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। तो मैं यहाँ इस मुकाम पे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप लोगों का ईद मुबारक कहना चाहूँगा। दूसरा, उन सिनेमाज वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी फिल्म को पजीराई दी, हमारी फिल्म को लगाया, और वो मासेस जो मल्टीप्लेक्स में नहीं जा सकता, जोक दर जोक यहाँ देखने को मिला है। चार चार छः छः घंटे ख्वातीन ने यहाँ बैठ के इंतज़ार किया है कि हम फिल्म देख के जाएंगे। तो ये ऑडियंस है ना, इस ऑडियंस को दूर किया गया है सिनेमा से। तो मैं सिनेमा वालों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ इस ऑडियंस का हक इनको दिया जाए, इनके लिए दरवाजे खोलें अपने सिनेमा के। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप बाजरे दी राखी टाइप की फिल्में लगाएंगे। मासिस जिनको देखना चाहती है। मैं यहाँ चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास गिले और शिकवों की कि वहाँ से मेरी फिल्म उतार दी, वहाँ नहीं लगाई, लेकिन मैं किसी एग्जीबिटर को गिला शिकवा नहीं करने के हक में, सिर्फ उनको एहसास दिलाने के हक में हूँ कि हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कितने सालों से जद्दोजहद कर रही है, कितने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, कभी मैं बना रहा हूँ, कभी ये बना रहे हैं, कभी आगाज़ा बना रहे हैं, कभी कोई और बना रहा है, हम बनाते चले जा रहे हैं और हमें नाकामियाँ देते चले जा रहे हैं लोग। वो माहौल, वो देखें, फिल्म अगर लगेगी नहीं प्रॉपर, देखने को नहीं आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब लोग बनाना बंद कर देंगे। तो क्या ऐसी कोई बात है कि हमें वैसे तो नहीं रोका जा सका, इस तरह रोक दे। तो लिहाजा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें हिंदुस्तान की फिल्म इनकी माशाल्लाह अभी तक चल रही है और उन्हीं सिनेमा में चल रही है जिसमें तेरे बाजरे दी राखी को मना कर दिया गया। कोई बात नहीं, उनका बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस के साथ मैं चाहूँगा कि अपने अंदर एहसास भी पैदा करें। कमाई तो होनी होनी है, ज़रा थोड़ी कर लें, और जब थोड़ी करेंगे तो ये बूस्ट होगा सिनेमा, ये हमारा सिनेमा बूस्ट होगा और वो कमाई बढ़ जाएगी। वो कमाई, मैं एक सवाल करता हूँ कि आज तक कोई हिंदुस्तान की कोई विदेशी फिल्म मुझे बता दी जाए जिसने पाकिस्तान की किसी हिट फिल्म से ज़्यादा बिजनेस किया हो, नहीं है, कतन नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एहसास मंदी के साथ, गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है किसी से, क्योंकि हर किसी का अपना बिजनेस है, हर किसी का अपना पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हम बनाएंगे, आप लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे तो हम बनाएंगे नहीं। तो लिहाजा मैं इस मौके पे सिर्फ दर्दमंदी के एहसास के हवाले से अपील करना चाह रहा हूँ और शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जिन्होंने। अब देखो ना, ये सिनेमा बंद पड़ा हुआ था, इस सिनेमा के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए, और दरवाजे ऐसे खुले हैं कि पूरे सर्किट में, पूरे पाकिस्तान में इतना बिजनेस ही नहीं है किसी का जितना इसका बिजनेस है। तो लिहाजा थोड़ी सी एहसास मंदी की बात है, मैं बार बार यही कहूँगा, एहसास एहसास एहसास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का है और बाद में उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने हमारे साथ तआवुन किया। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, तेरे बाजे की राखी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फिल्म है। टेक्निकली मैं अपना काम की बात नहीं कर रहा, कोई और, मैं उस कैमरे की बात कर रहा हूँ, मैं उस पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ जो थाईलैंड में की गई, जहाँ सब यहाँ पे जो जिन फिल्मों की आप बात करें उनकी लोकल, मुझे पता चला लोकल पोस्ट हुई है। हमारी फिल्म टेक्निकली कहीं भी कमज़ोर नहीं है, कहीं भी, लेकिन ये थोड़े से बैरियर्स हैं जो हम मोहब्बत से प्यार से हटाना चाहते हैं। देखिए फिल्म मेरी कहाँ स्टैंड कर रही है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, एक भी नेगेटिव कमेंट मैंने नहीं पढ़ा। माली एतबार से तो सिनेमा हमें मिलेंगे तो हम माली एतबार से अमीर होंगे ना। उसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहसास पैदा कर लें। नहीं, मल्टीप्लेक्स को तो अप्रोच करते हुए हमें साल हर साल हो गए, तो ये अप्रोच ही कर रहे हैं ना हम्बल तरीके से, वो एहसास और हम्बल तरीके से लड़ाई नहीं कर सकते हम। हम लड़ाई करेंगे इतने से भी जाएंगे, हम लड़ाई करेंगे वो भी उतार देंगे, इतने से भी जाएंगे, तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम्बल तरीके से कि ये फिल्म इंडस्ट्री वो है जिसकी बुनियाद प्री पार्टीशन से पहले रखी गई है और उसकी रूट्स चली आ रही हैं, उस रूट्स को कुछ इन्होंने थामा हुआ है, कुछ इन्होंने थामा है, कुछ हमने थामा हुआ है, कुछ और लोगों ने थामा हुआ है और कुछ लोग तो मानते ही नहीं हैं उस रूट्स को। तो लिहाजा ये रूट्स जो हैं ये कायम रहनी चाहिए और वो कायम इसी तरह रहेगी, आपस में कॉम्बिनेशन। अगर अगर आप इजाज़त दें, अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, शायद ये बड़े फरादी रहे शिकवा हमें कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे माशाल्लाह आला दिमाग हमारा मीडिया जो है जितनी मोतबर शख्सियात बैठी है और सबसे पहले कि इस मीटिंग का मकसद क्या है, अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इफ्तिखार साहब, मैं ज़रा कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहना चाहता हूँ। अभी जैसे शायद साहब ने पूछा है, और देखिए बहुत अरसे तक हमें सूबाई तौर पर भी वो राइट्स नहीं मिले, लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में भी सूबों के जो हकूक़ हैं वो उसके बाकायदा उसके राइट्स किए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं कि सूबाई सतह पे भी सूबों को ये हकूक़ दिए जाए। इसी तरह से हम एक पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, हमारे कुछ राइट्स हैं इस सूबे पे। हम इस पंजाबी हमारी माँ बोली है, ये हमारी ज़ुबान है, हमारे कुछ हक़ हैं, हमारे हमने इस सूबे में हम पैदा हुए हैं, यहाँ हम बूढ़े हो गए हैं, हम मरने के करीब हो गए हैं, हमें वो राइट्स मिलने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और ये तय होना चाहिए कि यहाँ पंजाबी फिल्म की जो तरक्की है उसकी तरवीज के लिए हमें किस हद तक हमें टाइम देना चाहिए। आपने
मैंने तो हमेशा यही काम किया है, ये पहली बार तो नहीं किया। हम ये यंग टैलेंट को लेके फिल्म्स बनाई हैं और कामयाब हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। बात ये है, जिस बात किसी के खिलाफ मैं बताता हूँ मदनी साहब आपको, जिस मैं आपको बताता हूँ जिस मकसद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। नूर साहब की फिल्म साहब बहुत ज्यादा हुई, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से उनको बड़ा सॉल्व करने की कोशिश की। सुन लेना ये अब यह प्रेस का काम है कि इसको कैसे उजागर करते हैं कि जो इनके साथ ज्यादा हुई है। हम कहेंगे तो बात कहीं और चली जाएगी। ये आप लोग इसको प्रमोट करें कि इनके साथ कितनी ज्यादा हुई है, ये आप लोगों का फर्ज है। हम कहेंगे तो हमें हम इसलिए हम इससे भी जाएंगे ठाकरे साहब, आप प्रमोट करें, आप प्रेस हैं कि क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज्यादा हो रही है फिल्म के साथ। हमारी तो फिल्म नहीं थी ऐसी मल्टीप्लेक्स में लगने वाली। ठाकर साहब, हसन अस्करी साहब ने एक छोटी सी लाइन बोली है, बंदर बांट, उसमें तो सारी बात है। तो बंदर बांट हो रही है, वो तो शरीफ आदमी है, उन्होंने बड़े अच्छे सुझे तरीके से नूर साहब ने बात को कवर कर लिया, हालांकि उनको कवर नहीं करना चाहिए। अब आप करें, मैंने आपके आईनी हकूक की बात की, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, एक सूबे में रहते हुए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसके बावजूद वफाक ने कुछ तय किया है ना, उसके बारे में कोई सवाल नहीं हुआ, हालांकि इसके बारे में सवाल होना चाहिए था। क्योंकि हमें जी नहीं, आप नहीं देखें मेरी बात सुने, आप हमें हम लोगों को उस तरफ ना लाएं, ये आपका काम है, ये प्रेस को काम का, ये इस बात को उछालें पूरी, नहीं ये पांडकाली नहीं है। हम लोग कम्प्रोमाइज करेंगे, हमें करना चाहिए, हम इससे भी जाएंगे, आप लोग करें, आप प्रेस हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जो मैंने आपकी बात करें, आप जो हुआ है, मैंने एक सवाल उठाया है उसके बारे में थोड़ा सा संजीदगी से गौर किया जाए। जो मैंने कहा है, हमारे कुछ नहीं, ये प्रेस का काम है, आपको पता नहीं है कितनी ज्यादा हुई है। बाजरे की राखी की पिके फिल्म को और देख रही हैं वो लोग। मैंने एक सवाल किया है, मेरा ख्याल है उस पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया। हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे कुछ बुनियादी हकूक हैं। जब आप ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, दूसरी बात भी करते हैं, तो इस तरह से सूबों में भी हमें कुछ हकूक दिए गए हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है, उसमें भी है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पूरा नहीं होना चाहिए? बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने सिंध में फिल्म लगाई है छेड़ा थी में, अब आपको मिलने की खबर आपको बता रहे हैं, कितने साल में फिल्म लगी आपकी, ये बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं, पूछे साहब वहाँ भी चार सिनेमों में इन्होंने रिलीज की है। पूरे शो मिले हैं वहाँ पे? नहीं मिले। ये बात बताएं ना, नहीं मिले। आपके जो इतना 8 करोड़ या 2 करोड़ जो आपने लगाया है, आप उसको कवर कर लेंगे? आप बताएं ना, कितने कितने शो मिले हैं आपको? वक्त की कास्ट है, हर चीज़ फिल्म देखने गए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने टिकटें भी खरीद ली हैं। जब शो चला तो उन्होंने दूसरी फिल्म कराची की, किसने किया, आपने किया, शर्मा वालों ने किया? शर्मा ऑर्डर कर रहे हैं यार, बात तो वहीं पे आती है कि हम उनको ये कहना भी नहीं चाहते, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई टाइम दें कि उनको क्यों प्रमोट किए जा रहे हैं, सिर्फ हमें भी प्रमोट। जो ये बात लोग सुनना चाह रहे हैं, अब आपके ऊपर एक और बम गिर गया है, अभी थोड़ी देर पहले पंजाब सेंसर कोर्ट ने और सिंध सेंसर कोर्ट ने एक फिल्म को पास कर दिया, अब वो जब लगेगी तो बहुत सी फिल्में निकल जाएंगी बीच में से, उस पर आप क्या कहेंगे ये बताएं जरा। तो अभी एक फिल्म को हो रहे हैं ना, अभी और बहुत सारे और हो गए, अगर आप खुद के बात करेंगे तो बात निकलेगी। ज्यादती पे ज्यादती, उसके बारे में मैं जो आप ज्यादती पे ज्यादती की जा रही है, 100% अदा रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी मौतबर शख्सियात बैठी हैं, जो उसके बाद एक और आएगा, शायद फिल्में बनानी है,
ठाकर साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया कि ये रोका जा रहा है, ये फिल्में रोकी जा रही है, हमें तअसुब की गो आ रही है इन बातों में, ये रोका जा रहा है, सैयद नूर को रोका जा रहा है, पहली फिल्म में भी रोका गया और अब भी रोका गया, बाकायदा रोका गया, इसलिए कि ये प्रॉपर डायरेक्टर है पाकिस्तान का, या जितनी आवाम खड़ी है पूछे वो कहेंगे इससे बड़ा डायरेक्टर नहीं है। तो बात सिर्फ ये कि इसको रोका जा रहा है, पहले भी रोका है अब भी रोका है। देखिए इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जी भी पाकिस्तान है वो हमारी फिल्म है, हम एक मखसूस ग्रोह की बात कर रहे हैं, हम टोटल ब्लेम नहीं कर रहे, सबको ब्लेम नहीं कर रहे, ये एक मखसूस ग्रोह है जो एक खास नुक्ते नज़र से या एक खास उसकी उसका है, जैसे है उनके नज़दीक एक तसुब हो सकता, वरना वो हमारी फिल्मों को हमेशा उन्होंने वेलकम किया, हम हमें उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। ही वाहिद एक ऐसा सर्किट था सिंध बलोचिस्तान, सिंध बलोचिस्तान एक ऐसा सर्किट था जहाँ से हमें सरमायाकारी भी होती थी और हम फिल्म भी बनाते थे, लेकिन यार जहाँ से तुम पता लग गई है कल मैं गुजरांवाला में था, मेरे सामने प्रिंस सिनेमा में फिल्म लगी हुई है हमारी, वहाँ जब मैं गया हूँ तो वहाँ बहुत सारी ऑडियंस खड़ी थी और मुझे कहने लगे भाई उधर 8000 रुपये का टिकट है, असं नहीं लै सकते, असं थोड़ी फिल्म देखनी है। मैं गया उन्होंने पूछा, मैं क्या फिल्म, उन्हें कहा पाँच थोड़ी फिल्म तो सवेर दोपहर ही लगती 3 बजे, उन्हें कहा पाँच 3 बजे असं कितों आके फिल्म देखिए, असी पैसे कमा के शाम को रक्षे असी रक्षे चलाने भाजी, असी 200-400-500 रुपये बटना तो शाम को फिल्म देखनी है, गलत टाइम पर फिल्म लगाते हैं जान बूझ के, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पंजाब है तो भाई यहाँ पंजाबी फिल्म चलेगी, गुजराले कौन जाके देखेगा, भाई तुम क्या कह रहे हो कितने बजे आए थे तुम, अरे भाई मैं देखता हूँ, भाई कोई नहीं देखेगा, वो फिल्म तो देखेगा सैयद नूर साहब की, इधर आए ठा ठक 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 ठक, फिल्म ये चलेगी पंजाब में जो पंजाब की जुबान है, तो भाई अल्लाह का वास्ता है करो जो मर्जी, लेकिन शफल करके करो यार, एक दिन हमें टाइम दो एक दिन उनको टाइम दो, हम ये नहीं कहते कि भाई सारा टाइम उनको दे दो, हम ये नहीं कहते सारा टाइम हमको दे दो, अच्छा यार एक एक दिन के करो यार, ठाकुर साहब इस तो इंसाफ करो यार, कुछ हमारे भी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, देखिए यही लोग हैं जब इब्राहिम अहमद का पंजाबी गाना लगता है तो सारी क्लास उठ के इनकी खातिर और ये खुद भी नाचते हैं उस पर, उस वक्त इनको पंजाबी जबान बुरी नहीं लगती, नाचते हैं बुरा नहीं, किसी से किसी बुरी शायरी करते, गीत भी बनाते हैं, लेकिन जब फिल्म की बात होती है तो फिल्म को कंडेम करते हैं, ये क्यों करते हैं फिल्म को कंडेम, ये जो एलीट क्लास है ये फिल्म को कंडेम क्यों करती है, बड़ा अच्छा सवाल। अच्छा मैं यहाँ इस मुकाम पे उन एग्जीबिटर्स सिंगल स्क्रीन सिनेमा जिनके हैं जिन्होंने बंद किए हुए हैं उनको ये एग्जाम्पल लेनी चाहिए प्रिंस सिनेमा की, ये बात उनको ये एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि कितना 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 ज़बरदस्त बिजनेस सिर्फ एक सिनेमा ने किया है, तो हमको मिलके मैं चोई साहब से एग्जीबिटर के चोई साहब जो आज चेयरमैन इनसे इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कमेटी हम बनाएं, उस कमेटी में हम देखें कि कितने सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो हैं बंद पड़े हैं, उनको हम कोशिश करके उनको ओपन करवाएं जिस हालत में भी हैं, और वहां हम मल्टीप्लेक्स के मुकाबले पे हम वहां फिल्में रिलीज करें। मियार किसने कहा कम है, मुझे ये बताओ यार, आप बता दें मियार कौन सा चाहिए आपको, आप नहीं ये 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 7 करोड़ की फिल्म है, ये 7 करोड़ की फिल्म है, सारी इसकी पोस्ट बाहर से हुई है, ड्रैगन पे शूट हुई है वह फिल्म, क्या इसमें कमी है, आपको क्या कमी नजर आई है, दुश्मन में नहीं है यार, सकीने नहीं है, चलो ये वाइंड अप हो गया सर जी, जनरल गोली बैठ,
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.